Hello, wonderful people. How are you all? So today we are going to talk about two things which will help you a lot in your relationship. Right? ये दो qualities अलग अलग हैं males और females की, और हम एक दूसरे की quality समझ नहीं पाते और हमेशा intermix होके conflict rise कर लेते हैं. So what are these qualities and how will you handle it? Firstly, we'll talk about females, right? So females की तरफ से males की तरफ एक question लगातार आता रहता है that how much do you love me? Why do you love me? Do you still love me? Right? And males feel really irritated. They feel really frustrated about these questions. But you don't have to. Males, you have to understand one important thing jo females aapse expect karti hain, that is reassurance. आपको ये नहीं सोचना कि यार क्या कैसे प्रूव करूं, I'm married to this person, I'm committed to this person, I'm loyal to this person. फिर भी why do she keep asking me these questions? No, you have to answer these questions calmly. Very calmly, you have to hug the person and you have to tell them every single day of your life how much do you love that person. And I know you that you can do that. I know that. Right? So you have to do that. And this will, trust me, create marvelous response. Marvelous, marvelous, marvelous response in your relationship. Now the learning of females. Males ने तो अपनी lesson ले लिया कि हमेशा reassurance देती रहनी है. Females, you need to understand कि कभी भी आपको कोई complaint करने जाना है, कोई भी चीज बताने जानी है, please, please, please start with an appreciation. हमेशा male appreciation का भूखा होता है. They need to hear good things first and then complaints. Don't start with कि आप मुझे time नहीं देते, मुझे ये नहीं करते, मुझे वो नहीं. Start with see, I know that you value me very much. I know you give me all, you always give me so much of time. But अभी मुझे ऐसा लग रहा है that I need your more time. और आप दे नहीं पा रहे हो, या तुम दे नहीं पा रहे हो, तू नहीं दे पा रहे, anything you want in the language, right? So इस चीज को समझिए कि मेल अगर आपको कोई प्रॉब्लम बताता है, फीमेल्स प्लीज अंडरस्टैंड, अगर मेल आपको कोई प्रॉब्लम बताता है तो वो हमेशा इसलिए नहीं बता रहा कि आप उनको सोल्यूशन दें. अगर आपको सोल्यूशन देना है तो आप दीजिए, और उसके पहले एप्रिसिएशन जरूर कीजिए, वरना वो ईगो पे लगेगा. अगर फीमेल फीमेल से बात कर रही है तो ऑब्वियसली अलग हो जाता है. फीमेल फीमेल को अगर एडवाइस देगी तो शी फील हैप्पी अबाउट इट, बट अगर मेल को एडवाइस देगी तो कई बार दिल पे आ जाती है कि ये मुझे सिखाएगी, जो नहीं आनी चाहिए, मेल्स के अंदर नहीं आनी चाहिए, मगर आती है कि ये मुझे क्यों बता रही है. सो दे आर नॉट सीकिंग एडवाइस फ्रॉम यू, दे आर सीकिंग जस्ट सपोर्ट, जस्ट सम एप्रिसिएशन. अगर मैं अपने पार्टनर को ये बोलता हूँ कि मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि माई क्लिनिक इज नॉट गोइंग गुड, सो शी विल डेफिनेटली हेल्प मी विद द एडवाइस एंड आई लिसन टू हर. बट फर्स्टली शी विल स्टार्ट विद दैट आई नो यू हैव डन इट, आई नो यू हैव स्टार्टेड ऑन योर ओन, आई नो यू हैव क्रिएटेड दिस ऑन योर ओन एंड आई नो यू कैन डू दिस, सो लेट्स डू दिस. नाउ शी विल गिव मी एडवाइस. सो प्लीज स्टार्ट विद एन एप्रिसिएशन, चाहे वो किसी भी तरीके की कन्वर्सेशन आपको करनी हो, चाहे कंप्लेन करनी हो, चाहे एडवाइस देनी हो. और गाइस, रीअश्योरेंस इज द की. हैव अ वंडरफुल लाइफ, हैव अ वंडरफुल पार्टनर एंड हैव अ वंडरफुल लविंग पीसफुल लाइफ. थैंक यू गाइस, लव यू ऑल. योर्स एंड योर्स सागर चौधरी एंड सार्कास्टिक शुकी. थैंक यू.